नमस्कार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट है। क्यों क्यों बताती हूँ? आज की वीडियो में मैं एक ऐसी प्रतियोगिता के बारे में बता रही हूँ जिसको सुनते ही आपकी हंसी छूट जाएगी। इस प्रतियोगिता का नाम है बादशाह। जैसे ही मैंने इस प्रतियोगिता के बारे में सुना, मेरी हंसी नहीं छूट रही थी। और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये प्रतियोगिता इंडिया में तो की ही गई, इसके अलावा इंडिया के बाहर भी की गई थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। वो बनता है बादशाह। ट्रोफी में भाग लेने वालों को सबसे लंबी, सबसे धमाकेदार और सबसे संगीत में पाद छोड़ रही होती है। इस प्रतियोगिता का नाम है व्हाट द फार्ट कंपटीशन, जिसमें अलग अलग तरीके के, अरे कहना क्या चाहते हो, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसको जो जितना जोर से पाट सकता है वो इस कंपटीशन में पार्ट ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे माइक लगाए गए हैं और बड़े बड़े माइक लगाए गए हैं। यहाँ बोलने के लिए माइक नहीं है, माइक खराब हो गया। वहाँ आपके पाद की ध्वनि सुनने के लिए माइक लगाए गए हैं। मैं ये सोच रही थी कि जैसे कि जितने भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, अलग अलग कंपटीशन, तो उसमें जो जज होते हैं, जैसे सिंगिंग वाला कंपटीशन होता है उसमें जो सिंगर होते हैं वो जज होते हैं, एक्टिंग वाले कंपटीशन में जो एक्टर रह चुके होते हैं या फिर डायरेक्टर होते हैं वो जज होते हैं, डांसिंग वाले में डांसर जो होते हैं या फिर जो कोरियोग्राफर होते हैं वो जज होते हैं, तो इसमें जज कौन होगा? मुझे लगता है इसमें ऐसे डिसाइड किया गया होगा। क्या आपके पादने की आवाज तेज आती है या आप तेज पाते? जो जितना तेज कर सकता है पहले उनका इंटरव्यू हुआ उसके बाद डिसाइड हुआ होगा कि ये जज है। इस कंपटीशन में जितने लोग आए थे सबने, मतलब जो ट्राई करने आए थे, जिनको मुझे लगता है काफी लोग आए होंगे लेकिन शर्म के मारे किसी ने ट्राई किया नहीं होगा। लेकिन तीन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और तीनों ने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं, कोई ढंग से खा कर नहीं आया था, तो किसी को पाद बनाई नहीं। लेकिन लास्ट में तीनों को गिफ्ट दिया। सही है यार। ये सीन देख के ऐसा लग रहा है कि सब लोग वेट करते हैं कि हाँ अब हमारी बारी आने वाली है। जैसे किसी कंपटीशन में जाते हैं, वेट करते हैं कि हाँ मेरी बारी आने वाली है तो मैं गाऊंगा, या फिर मेरी बारी आने वाली है तो मैं डांस करूंगा, या बैठ के वेट कर रहे हैं मेरी बारी आएगी तो मैं पालूंगा। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें हर घर में कोई एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो जोर से तेज आवाज में फाड़ता है, वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। आए कैसे लोग हैं जिनको आया ही नहीं? उन लोगों को भेजना चाहिए जिससे सब लोग परेशान रहते हैं, कोई मोटी आंटी या मोटे अंकल
जो हर घर में कोई ना कोई ऐसा एक बंदा जरूर होता है जो ऐसा करता है। ओह नो, तो दोस्तों सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर की कंट्री में भी फार्ट कंपटीशन हुआ था। चलिए वो देखते हैं। हाँ, यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हैं कंपटीशन पार्टिसिपेट करने के लिए, और आपने देखा कि यहाँ इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक प्रॉपर चेयर बनाई गई है जिसपे बैठ कर आपको पादना है और वहाँ पे साउंड के लिए माइक लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं। उसने लगा कि पैंट उतार के ज्यादा अच्छे से आवाज आ पाएगी। देखा, पैंट उतारने से कुछ नहीं होता, देखो पैंट पहन के भी उसने कर लिया ना, उसकी आवाज भी आई। ये भाई सबको भी लगा कि पैंट उतार के ज्यादा तेज आवाज आएगी। भाई बस कर, कहीं बात की जगह कुछ और ना निकल रहा है। अरे बहन बैठी रह गई, उससे कुछ हुआ नहीं, कोई बात नहीं। चलो, इंडिया के बाहर कोई तो ऐसा पहुंचा जो जिसने वाकई में उस अपनी कला का प्रदर्शन किया वहां पे। इंडिया में तो सब सही प्रतिभागी पहुंच नहीं पाए वहां पे एक्चुअली। वैसे तो इंडिया में ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अभी सूरत में ही हुआ था, बट उन्होंने बोला है कि अभी वो बाकी शहरों में भी आएंगे, तो जितने भी सारे पदेड़ों को हाँ सब तैयार रहना, सब के सब तैयार रहना, और इसमें आपको इनाम भी मिलेगा और नाम भी मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज की वीडियो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊं, तो बना दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जाके चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट में। मैंने ट्रैवल पे, फिटनेस पे, ब्यूटी पे, आईफा अवार्ड पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है, और सब जाके चेक कर लीजिए। जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं, मैं एक एक्टर हूँ और मॉडल भी हूँ, तो मैंने बहुत सारे काम किया है। और साथ ही साथ मैं, मेरा ये यूट्यूब चैनल भी है जो कि काफी टाइम से है, शायद 3 साल से मैं इस पे बना रही हूँ कंटिन्यू। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, और बाकी कोई सजेशन है तो बता सकते हैं कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊं। अगर इस टाइप की वीडियो पसंद आई हो तो मैं और इस टाइप की वीडियोस लाऊं। तो मुझे कमेंट में बताइए, मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं सब लोग एक एक कमेंट जरूर करना, ठीक है। और एक चीज और, मैं एक बहुत ही फनी वीडियो लाने वाली हूँ जो कि थोड़ा सा स्क्रिप्टेड है, तो वेट करिएगा उसका। मैं जल्दी उसका छोटा सा प्रोमो मैंने बनाया है, उसको मैं अपलोड करूंगी। आप देखिएगा, पसंद आए तो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी मैं अपलोड करूंगी।
जल्दी बनाया तो मैंने बहुत टाइम पहले था, लेकिन एडिट करने में काफी टाइम लग गया था, एडिट थोड़ी एडिटिंग करी थी फिर बीच में छोड़ दिया था, बहुत सारी चीजें हो गई थी, इधर उधर चली गई थी मैं, तो हो नहीं पाया था। तो अब जाके मैं उसकी एडिटिंग कंप्लीट कर रही हूँ और आप लोगों के सामने लाऊंगी। तो मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, सबसे सब्सक्राइब करवा दो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बिकम माई परिवार। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। लव यू ऑल।